पारडी पुलिस स्टेशन में कुछ ही दिन पहले मनोज ठौकर नाम के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके लिए पुलिस को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस मामले में आरोपी पर कार्रवाई और मृत्यु की पीड़ित पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग पहले से ही विधायक कृष्णा खोपड़े कर रहे हैं। घटना के एक महीने बाद भी नागपुर पुलिस प्रशासन की ओर से पीड़िता के शासकीय नौकरी के मामले पर कोई कार्रवाई न होने पर खोपड़े ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से मुलाकात कर पीड़िता को नौकरी देने की मांग की है। मनोज ठौकर पुलिस के बेरहम पिटाई से ये अपंग लड़का सात को इसका देहांत हुआ और उसके बाद लगातार पुलिस कमिश्नर हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हो, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील हो, इनको भी लगातार हमने निवेदन दिया, उनसे चर्चा किया और इन सब लोगों ने बोला, पुलिस कमिश्नर से ही सभी लोगों ने बोला था कि ये परिवार को हम आर्थिक मदद भी देंगे और उनके पत्नी को हम नौकरी भी देंगे। एक महीना होने के बाद भी अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू अभी हुई नहीं और इसीलिए हम पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए आए, उनको निवेदन दिया है कि ताबड़तोब आप इसके ऊपर, क्योंकि पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार रहता परमानेंट नौकरी नहीं दे, डेली वेजेस के ऊपर नौकरी दे सकते, ये अधिकार है। इसके दो उदाहरण मैंने उनको बताया, एक NIT का उदाहरण बताया, एक महानगर पालिके का उदाहरण बताया कि एक जगह मृत्यु हुई थी और एक जगह एक लड़के का हाथ कटा था, दोनों जगह उनको उनके लोगों को नौकरी दिलाने का काम मैंने उस समय किया था और इसीलिए उस धरती के ऊपर आपको अधिकार है तो आप अपने अधिकार का वापर करके उनको नौकरी दो, नहीं तो ये प्रस्ताव शासन को भेजो, वहाँ हम लोग फॉलोअप लेंगे। परंतु एक महीना हो गया, इसकी प्रक्रिया उन्होंने अभी तक किया नहीं था, लेकिन आज निवेदन देने के बाद हमने अंतिम उनको निवेदन दिया हुआ है कि इस महीने के अंदर आप सब ये प्रक्रिया पूरी करके शासन स्तर पे होगा तो शासन स्तर पे निर्णय लो, तुम्हारे स्तर पर होगा तो तुम्हारे स्तर पे ये निर्णय लो और इसकी प्रक्रिया करो, नहीं तो हम आने वाले अगले महीने में हम अपना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन की भूमिका को हम आगे बढ़ाएंगे। नंबर दो, के इतनी बड़ी घटना घड़ने के बाद अने नागपुर जिले के पालक मंत्री ने अभी तक उनके परिवार को विजिट नहीं दिया, शिवसेना का कोई नेता नहीं आया, राका का कोई नेता नहीं आया, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद नितिन जी गडकरी जी ने उनके परिवार को भेंट दिया, फडणवीस साहब ने उनके परिवार को भेंट दिया, एक आर्थिक रूप से उनको दो भाजप करके 2 लाख का हमने चेक दिया, फिर भी इस सरकार का एक भी मंत्री नहीं आना और इतनी बड़ी एक अपंग लड़का, आँखों से दिव्यांग लड़का जिसकी पुलिस की बेरहमी से पिटाई होकर वो गुजर गया, फिर भी इनकी ये सरकार की आँख अभी तक नहीं खुलती, एक भी मंत्री ने विजिट नहीं देना, यानी ये राज्यकार हमारे सबका दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के नेता हमको मिले। और इसीलिए अभी आज हमने स्पष्ट रूप से पुलिस कमिश्नर को लेटर में भी हमने लिख के दिया कि इसके ऊपर आप ताबड़तोब कार्रवाई करो, अन्यथा हम आगे की हम अपना जो प्रोसीजर रहेगा आंदोलन का वो हम करेंगे। नागपुर में ऐसे ही मामले बढ़ रहे हैं, पुलिस का रवैया जनता के प्रति खराब दिख रहा है, ऐसा कुर्केश्वर में भी एक मामला सामने आता है, इस पर आपका कहना है? जब से आप देख रहे होंगे उद्धव ठाकरे की सरकार जब से बनी है, जब से लगातार क्रिमिनल एक्टिविटी बड़े पैमाने पर घटनाएँ ये बड़े पैमाने पर हो रही, शायद पुलिस के ऊपर कंट्रोल किसी का है या नहीं है यही अभी शंका निर्माण हो रही है। रोज़ कोई ना कोई वर्तमान पेपर अगर अपन देखें, मीडिया के माध्यम से देखें तो रोज़ कोई ना कोई घटना घट रही है और इसीलिए क्रिमिनल लोग आज़ाद फिर रहे क्या, इसको उनको किसी का उनके ऊपर हाथ है क्या, इस प्रकार की भी शंका अभी निर्माण हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र की उपराजधानी ये नागपुर शहर है और नागपुर शहर में लगातार इस प्रकार की घटना रोज़ मर्डर की घटना घटना, रोड डकैती की घटना घटना, इसलिए क्रिमिनल ये खुले रूप से घूम रहे क्या और इसीलिए पुलिस का वचक उनके ऊपर है क्या? क्योंकि जब तक पुलिस का वचक अगर रहता तो ये इतनी बड़ी पैमाने पर घटना नहीं होती। ये संबंधित जो थाने के जो अधिकारी रहते उनके क्षेत्र के अंदर कौन गुंडा है, कौन मर्डर करने वाला है, कौन दारू बेचता, कौन सट्टा करता, इन सब की यादी उनके पास रहती है, फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस दरमियान आप देख रहे होंगे कि ये 2 साल से जब से ये लॉकडाउन लगा उस दरमियान से घटनाओं का दौर ये बड़े पैमाने पर शुरू है और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट से भी विनंती है, पुलिस कमिश्नर से भी विनंती है कि कहीं तो भी ये इनको वचक रहने के लिए ये घटनाएं कम हो और इनके ऊपर एक्शन हो, यही हमारी मांग है।
पार्डी परिसर में कुछ ही दिन पहले मनोज ठाकुर नाम के जो व्यक्ति थे, दिव्यांग थे, उनके पुलिस कस्टडी में जो है मौत हो गई थी, जिसे लेकर कृष्णा खोपड़े ने मामला भी उठाया था कि न्याय दिलाने का। हमारे साथ जो है मनोज की पत्नी है, पीड़ित हैं, उनसे बात करेंगे हम। मुझे बताइए कि जिस दिन ये हादसा हुआ तो उसके बाद से अब तक क्या हुआ, कौन आपको मिलने आया है, किस तरह का सांत्वना मिली, क्या बोले लोग? आमच्याकडे देवेंद्र फडणवीस साहेब आलेले आहेत, नितीन गडकरी साहेब आलेले आहेत, बच्चू कडू साहेब आलेले आहेत, त्याच्यानंतर कृष्णा खोपडे साहेब आलेले आहेत, आमदार आहेत ते आलेले आहेत, अभिजित वंजारी आलेले आहेत, अतुल या राज्याचे पालकमंत्री नाही आले, अजूनपर्यंत नितीन राऊत जे आहेत ते आमच्या घरी अजूनही आलेले नाही आहे। आज एक महिना झालेला आहे पण आम्हाला कुठलाही काहीही मदत मिळालेली नाही आहे। आपण नोकरीची मागणी सुद्धा केली आहे नागपूर पोलीस प्रशासनाकडे, त्याबद्दल काय झालं अजूनपर्यंत? काय ते तात्पुरता जॉब लावून देतो म्हणत आहेत पण मला तो तात्पुरता नाही पाहिजे, कारण की माझ्या मागे दोन मुलं आहेत, त्यांचं शिक्षण आहे। तात्पुरत्या जॉबमध्ये 2 वर्ष 3 वर्ष कोणी पण ठेवतात आणि काढतात, मला सरकारी जॉब पाहिजे। त्याविषयी आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली आहे, लोकांकडनं पोलीस प्रशासनाकडनं आज निवेदन देण्यात आलं आहे, त्याबद्दल काय माहिती? ते म्हणतात आहे आता आपण काहीतरी करू पण केव्हा करतील हे अजून काही पण माहिती नाही आहे। ही जी घटना झाली आहे त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे की तुमचे पती जे आहे या पोलीस कस्टडीमध्ये वारले, तर त्याबद्दल? त्यांनी आम्हाला कॉलसुद्धा नाही केला आहे, त्यांनी 2 तास कुठे ठेवलं ते सुद्धा नाही सांगत आहे आणि बेरहमीनी मारलेलं आहे। माझ्या पतीनी म्हटलं की मी अपंग आहे, मी डोळ्यांनी पण आहे पायांनी पण आहे, तरी पण त्यांनी बेधूम मारलेलं आहे, त्यांना दया नावाची अशी काही वाटलंच नाही आहे त्यांना। माझी मागणी पूर्ण नाही झाली तर मी ह्या कार्यालयासमोर इथे येऊन माझ्या 2 मुलं आणि मी आम्ही विष खाणार आणि इथेच मरणार हे ठरवून ठेवलं आहे। माझ्या मुलांचं पण हेच आहे आणि माझं पण हेच आहे। आज आपण सर्वसाधारण व्यक्ती मर्डर करतो त्याला तुम्ही आत्महत्या करता, त्याला जेलमध्ये टाकता। आज तो आकाश शहाणे जो आहे त्यांनी माझ्या नवऱ्याला इतकं मारलेलं आहे, इतकं मारलेलं आहे, आज सर्व आम्हाला प्रूफ मिळालेलं आहे। तो छान आपल्या फॅमिलीला घेऊन राहतो आहे, त्याला 25% मिळत आहे गव्हर्नमेंटकडनं, माझ्या मुलांना आणि मला काय मिळत आहे? काहीच नाही मिळत आहे। आम्ही तर बेवारीच झालेलं आहे ना, मग आम्हाला पण काहीतरी पाहिजे आहे। तुमची काय मागणी आहे? माझी मागणी हीच आहे, मला जर गव्हर्नमेंट नोकरी आणि जे त्यांनी आर्थिक मदत म्हटलेलं आहे ती नाही मिळाली, माझे 2 मुलं आणि इथे विष खाणू याच इथेच येणार आहे, इथेच। आरोपीवर काय कारवाई झाली? आरोपीला चांगली सजा दिली पाहिजे। मनोज की पत्नी की जो है इस तरह की तीव्र भावना है कि अगर उनको सहायता राशि या फिर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली या उनको नौकरी नहीं मिली तो वो इस तरह का कदम उठा सकती है। मनोज के ये दो छोटे बच्चे हैं जिनका परवरिश के जिम्मा भी अभी मनोज के बाद उनकी पत्नी पर है, जिसके लिए ही वो जिनका पालन पोषण करने के लिए वो सरकारी नौकरी की मांग कर रही है। अब देखना ये है कि सरकार और पुलिस प्रशासन, नागपुर पुलिस प्रशासन कितना सुनती है और उनकी मांग को कितना न्याय देती है। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ मैं प्रकाश शुंकलवारा, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर।